Hey everyone, welcome to GeoMind. I hope all of you are doing amazing. And today we are going to start the part first of sedimentary structures. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स के बारे में. और जैसे कि आपको पता है, लगभग 4 से 5 वीडियो बन चुकी हैं सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के ऊपर. और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात किया था फ्लूइड ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेनॉल्ड्स नंबर, फ्लूइड नंबर और बेड फॉर्म स्टेबिलिटी डायग्राम, जो कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो आप उसे देख सकते हो. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स. और इसमें हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स की. ठीक है, और एक जो स्ट्रक्चर है क्रॉस बेडिंग, उसको हम आज डिस्कस करेंगे. और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स. ओके, नाउ माय नेम इज स्वप्निल, एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है नई वीडियोस की वो आती रहे. ठीक है, तो हम बात करते हैं सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स की. और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं. तो जैसे कि आपको पता है, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स रिलेटेड हैं सेडिमेंट्री रॉक से. और कोई भी रॉक है, उस पर अगर कुछ भी हमें दिखता है, एक्सटर्नल शेप उसकी अलग दिखती है, या उसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर दिखता है, या उसमें कोई फॉर्म्स दिखते हैं जो कि जनरेटेड होते हैं बायोजेनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा या मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा. ठीक है, तो कुछ भी पैटर्न अगर हमें उसमें दिखता है तो वो एक स्ट्रक्चर कहलाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर कोई बायोजेनिक एक्टिविटी का एग्जांपल अगर हम दें, सो इफ यू हैव अ वर्म राइट इन यू कुड से द सबमरीन एनवायरनमेंट, वहां पे जो वर्म्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, बेड्स जो होते हैं आपकी लेयर्स जो होती हैं सेडिमेंट्स की, उसमें बोरो कर देते हैं. राइट, दे बोरो लाइक अ टनल. एंड ओवर टाइम, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, दिस स्ट्रक्चर विल गेट प्रिजर्व्ड. ओके, नाउ नॉट ऑल द स्ट्रक्चर्स गेट प्रिजर्व, बट अगर जो प्रिजर्व होते हैं तो हमें ये बाद में ये टनल के तौर पे या बरो के तौर पे दिखते हैं, और ये एक डिस्टिंक्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ बेडिंग होती हैं जो कि इंक्लाइन बेडिंग होती हैं. राइट, तो इसको हम क्रॉस बेडिंग भी कहते हैं, जिसमें जो बेड्स होते हैं वो इंक्लाइंड रहते हैं. तो ये कुछ डिस्टिंक्टिव पैटर्न जो होते हैं आपके सेडिमेंट्री बेड्स पे या रॉक्स पे, उनको हम सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स कहते हैं. राइट, जैसे कि पैरेलल बेडिंग. ठीक है, बेडिंग क्या होती है, आपकी जो लेयर्स होती हैं स्ट्राटा की, उसको हम बेडिंग कहते हैं. राइट, इन ब्रॉड टर्म. तो कभी कभी ये बेडिंग क्या हो जाती है, इंक्लाइंड रहती हैं, उसको हम क्रॉस बेडिंग कहते हैं. पैरेलल बेडिंग होगी. राइट, दिस इज क्रॉस बेडिंग. तो कभी कभी क्या होता है, विंड होती है या फ्लूइड जो एनवायरनमेंट होता है, विंड या वाटर होता है, उसके कारण क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कुछ रिपल्स के तौर पे हमें प्रिजर्व्ड दिखते हैं. राइट, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट. ओके, करंट कुड बी ऑफ वाटर और एयर. राइट, जैसे कि आप राजस्थान की तरफ जाओगे या किसी भी डेजर्ट एनवायरनमेंट पे जाओगे तो आपको ड्यून्स दिखेंगे. ड्यून्स आर एक्चुअली बिग, और यू कुड से द लार्ज फॉर्म ऑफ रिपल्स. राइट, तो रिपल्स होते हैं हमारे छोटे, जैसे कि पानी के रिपल्स होते हैं, वैसे ही आपको बेड में, सी बेड में, या आपको लेक के बेड में या रिवर के बेड में आपको ये रिपल्स देखने को मिलेंगे. वहीं डेजर्ट वाले एनवायरनमेंट में, एलियन एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये रिपल्स जो होते हैं वो काफी बड़े बन जाते हैं, दे बिकम वेरी लार्ज और ह्यूज, और उनको हम क्या कहते हैं, ड्यून्स. ठीक है, तो इनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज. राइट, कभी कभी क्या होता है कि डिफॉर्मेशन के कारण सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हमारे बन जाते हैं. राइट, जैसे सेडिमेंट्री ग्रेविटी फ्लो. तो ग्रेविटी फ्लो का एग्जांपल एक टर्बिडिटी करंट, आपने सुना होगा. टर्बिडिटी करंट क्या होती है, बेसिकली दे आर ग्रेविटी इंड्यूस्ड करंट, सब एक्वस करंट्स. और ये एक डिफॉर्मेशन टाइप का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कि जो आपका शेल्फ स्लोप वाला एनवायरनमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि जो शेल्फ वाला एरिया या स्लोप वाला एरिया है, उसमें क्या हो जाता है, जो सेडिमेंट है वो एक तरीके से रैपिड फ्लो करते हैं ड्यू टू
एवलांच टाइप ऑफ डिपॉजिट इज देयर एंड वो ग्रेविटी के कारण होता है, और जब ये पूरा एवलांच जो होता है सेडिमेंट का इन एक्वस एनवायरमेंट इट गेट्स डिपॉजिटेड, तो हमको क्या मिल जाते हैं, टर्बिडाइट्स मिल जाते हैं, राइट। तो इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी पैटर्न दिखता है सेडिमेंट्री रॉक्स में या बेड्स में, तो उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखते हैं वो है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर्स क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स में बनते हैं, राइट। क्लास्टिक का मतलब जैसे कि आपके सैंडस्टोन, राइट, वो बनते हैं ड्यू टू सेम करंट्स दैट डिपॉजिट द सेडिमेंट इन विच दे आर प्रेजेंट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको रिवर में जो सेडिमेंट है वो सस्पेंडेड है एंड और या ट्रैक्शन के द्वारा जो है डिपॉजिट हो रहे हैं, एंड ड्यू टू दैट आपका कोई भी सेडिमेंटरी रॉक बन रहा है, तो उस समय जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि सेम टाइम पे डिपोजिशन के टाइम पे ही अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी या फिजिकल स्ट्रक्चर। ओके, देयर प्रेजेंस स्केल एंड ओरिएंटेशन रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये पेलियो करंट एनवायरमेंट के काफी अच्छे इंडिकेटर होते हैं प्राइमरी या फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो दे आर रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि पेलियो करंट जो उस समय का एनवायरमेंट रहा होगा जब ये डिपॉजिट हुए होंगे, उसको पता करने के लिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, राइट। तो इनको हम अभी देखेंगे आगे। देन देयर आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली दोज स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड। तो अब डिपॉजिट हो गया और उसके बाद अगर किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, ऑर्गेनिक या फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि मैंने बायोजेनिक का आपको एग्जांपल दिया था, जिसमें कोई वर्म है वो बरो करता है और उसके बाद ये जो बरो है ये प्रिजर्व रह जाता है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, एंड जैसे नोड्यूल्स हैं, जियोड है, स्टाइलोलाइट्स हैं, राइट, क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका के नोड्यूल्स होते हैं, सो दीज आर ऑल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ओके, फॉर्म ड्यू टू केमिकल प्रोसेसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल हियर। ठीक है, तो जैसे बेडिंग है तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, राइट। तो आपको ये रॉक की बेडिंग दिख रही है, राइट, तो ये सैंडस्टोन है आपका और ये बीच में शेल है, ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, शेल, दिस इज सैंडस्टोन। तो ये बेडिंग आपको दिख रही है, ये भी एक तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन यू कैन सी द रिपल्स हियर, राइट। तो ये पहले क्या रहा होगा, एक सबमरीन टाइप का एनवायरनमेंट रहा होगा, एंड हियर यू कुड सी दीज रिपल्स, राइट, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट्स, राइट। सो दीज आर एक्चुअली वेरी ओल्ड, 145 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो जियोलॉजी में आपको टाइम स्केल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इनका टाइम स्केल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो प्रीवियसली दे वर फ्लैट, राइट, एंड ड्यू टू सम टेक्टोनिक एक्टिविटी ये क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो रखा है यहाँ पे, राइट, अपलिफ्टेड दे गॉट। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो हम पढ़ते क्यों हैं, राइट, फालतू के लिए तो पढ़ेंगे नहीं, एंड ड्यू बिकॉज उनका कोई इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से हम उसको पढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो है सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, दे आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ यंगिंग डायरेक्शन, राइट। यंगिंग डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप स्ट्रेटिग्राफी पढ़ते हो तो स्ट्रेटिग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा बेड सबसे ओल्ड है और कौन सा बेड सबसे यंग है। तो जनरली जो आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट, उसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई बेड है, राइट, उसमें जो लेयर्स हैं
या कोई भी फॉर्मेशन है या ग्रुप है, उसमें जो लेयर्स होती हैं, जो बॉटम लेयर होती है वो सबसे ओल्ड होती है और जो यंग लेयर होती है वो सबसे टॉप पे होती है, राइट? टॉप वाली सबसे यंग होती है. सो कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इस यंगिंग डायरेक्शन को बताते हैं कि टॉप टू बॉटम इंडिकेटर्स उनको कहते हैं. ओके, सो दीज स्ट्रक्चर्स विच इंडिकेट द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बेड, राइट, ऑफ बेडिंग आर नोन एज जियोपेटल स्ट्रक्चर्स. ओके, जियोपेटल स्ट्रक्चर्स, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है. एग्जाम्पल जैसे क्रॉस बेडिंग है, ग्रेडेड बेडिंग है, राइट? इनको हम डिस्कस करेंगे अभी. क्रॉस बेडिंग है, ग्रेडेड बेडिंग है, ये टॉप टू बॉटम इंडिकेटर हमें बताते हैं, राइट? साथ ही साथ पेलियो करंट का जो डायरेक्शन है कि भाई किस डायरेक्शन में उस समय करंट चल रही थी, उसका भी हम इससे पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बेडिंग है, क्रॉस बेडिंग भी डायरेक्शन बताती है, ठीक है? तो क्रॉस बेडिंग कुछ इस तरीके से होती है, जो आपके ये बेड्स रहते हैं ये इंक्लाइंड रहते हैं और ये बेड्स उसी डायरेक्शन में डिप करते हैं जिस डायरेक्शन में करंट उस समय चल रही होती है, विंड की करंट या पानी की करंट जो भी है, राइट? तो ये भी आपको पेलियो करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, ठीक है? साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन से एजेंट, पानी है, विंड है, राइट, किस एनवायरमेंट में ये स्ट्रक्चर जो है वो डिपॉजिट हुआ था, राइट? तो पेलियो एनवायरमेंट भी ये बता सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी स्टडी द सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स. अब हम बात करते हैं कि जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जनरेट कैसे होते हैं. ओके, सो देयर आर फोर फंडामेंटल प्रोसेसेस. सबसे पहला है डिपोजिशन. ओके, डिपोजिशन जैसे कि बेडिंग है तो वो सिंपल डिपोजिशन के जरिए होती है, या क्रॉस बेडिंग है वो भी सिंपल डिपोजिशन के जरिए होती है, राइट? सेकंड है इरोजनल स्ट्रक्चर्स. इरोजनल का मतलब क्या होता है कि कोई बेड है उसमें अगर टर्बुलेंट फ्लो चल रहा है तो वो क्या कर देगा, उस वो पानी जो क्या कर देगा, उस बेड को स्कावर कर देगा, राइट? सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ इरोजन देयर, जैसे कि स्कावर, राइट? और इफ देयर इज सस्पेंशन और ट्रैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, वो क्या करेंगे, बेड के ऊपर अपने मार्क्स छोड़ देंगे, राइट? सो इट विल गेट बाउंस ऑफ, इफ देयर इज अ सेडिमेंट इट विल गेट बाउंस ऑफ फ्रॉम द बेड. ओके, फिर वो कुछ इस तरीके से बाउंस करेगा और बाउंस करते करते यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स छोड़ देगा, तो इनको हम बोलते हैं इरोजनल स्ट्रक्चर्स. देन देयर इज डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स. ओके, सॉफ्ट सेडिमेंट डिफॉर्मेशन, कहने का मतलब ये है कि किसी कारणवश अगर बेड पे जो है वो डिफॉर्मेशन होता है, जैसे कि अगर अर्थक्वेक के द्वारा जो साइसमाइट बनते हैं हमारे, राइट? साइसमाइट, दीज आर ऑल्सो स्ट्रक्चर्स. इट इज फॉर्म ड्यू टू अर्थक्वेक. तो किसी भी एक्टिविटी के कारण अगर कोई डिफॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स. एंड देन देयर इज बायोजेनिकली मीडिएटेड डिपोजिशन. ओके, तो कोई ऑर्गेनिक प्रोसेस के जरिए अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे बायोजेनिक स्ट्रक्चर. जैसे कि मैंने आपको वर्म का एग्जाम्पल दिया था, बरो का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? सो दिस इज जेनेसिस ऑफ सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर. और यहाँ पे बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन है सैमबॉक्स ने दे रखी है, राइट? सैमबॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट बुक फॉर सेडिमेंटोलॉजी और सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी. यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, ये जो बोर्ड में आपको दे रखे हैं ये हेडिंग है और ये आपके सब टाइप्स हैं, ठीक है? तो स्ट्रेटिफिकेशन एंड बेड फॉर्म्स. ओके, सो हियर इज जेनेसिस. ठीक है, जेनेसिस कैसे होता है जो आपने पढ़ा था डिपोजिशनल इरोजनल, ठीक है? नाउ यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, जैसे लैमिनेटेड बेडिंग है 1, 2, 3. ओके, सो लैमिनेटेड बेडिंग, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन एंड बेड फॉर्म, सबसे सबसे पहला है स्ट्रेटिफिकेशन एंड बेड फॉर्म, यानी कि सिंपल लेयरिंग ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स. ओके, तो इसके अंदर आता है प्लानर बेडिंग एंड लैमिनेशन. प्लानर बेडिंग एंड लैमिनेशन पहला सब टाइप है, उसके अंदर फिर और 3 सब टाइप्स हैं. तो प्लानर का मतलब क्या है कि प्लेन, ठीक है? बेडिंग एंड लैमिनेशन में अंतर क्या होता है, बेडिंग आर बेसिकली थिकर एंड लैमिनेशन इज थिनर इन सेंटीमीटर्स. ओके, तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. सो इसके अंदर आता है लैमिनेटेड बेडिंग, ग्रेडेड बेडिंग, मैसिव बेडिंग. ओके, दीज ऑल 1, 2, 3 ऑल आर डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स. ओके, लैमिनेटेड बेडिंग क्या होती है,
सस्पेंशन सेटलिंग इन करंट एंड वेव फॉर्म स्ट्रक्चर्स, विंड फॉर्म स्ट्रक्चर्स, बायोजेनिकली फॉर्म स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. ठीक है, ग्रेडेड बेडिंग ओनली सस्पेंशन एंड विंड फॉर्म, मैसिव स्ट्रक्चरलेस बेडिंग वन एंड टू ओनली. ओके, फिर आपके बेड फॉर्म, टाइप ऑफ बेड फॉर्म, कि बेड फॉर्म में अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि रिपल्स, ड्यून्स, एंटी ड्यून्स, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है. तो ये चार्ट जो है आपको सैम बॉक्स में मिल जाएगा, राइट, या अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो मैं आपको ये वाला चार्ट भेज दूंगा, राइट. देन देयर इज क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन, इट ऑल्सो कम्स अंडर द स्ट्रेटिफिकेशन एंड बेड फॉर्म्स. ओके, सो क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन को हम अभी डिस्कस करेंगे. इसके अंदर आता है क्रॉस बेडिंग, पहला रिपल क्रॉस लेमिनेशन, फ्लेजर एंड लेंटिकुलर बेडिंग, हमकी, क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन. ठीक है, फिर आपके बाद इरेगुलर स्ट्रेटिफिकेशन आता है, कॉन्वोल्यूट, फ्लेम स्ट्रक्चर्स, बॉल एंड पिलो स्ट्रक्चर्स, सिन सेडिमेंटरी फोल्ड्स एंड फॉर, सो दीज आर ऑल डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स, राइट, डिश एंड पिलो स्ट्रक्चर्स, चैनल्स, स्कर्व्स एंड फिल स्ट्रक्चर्स, मॉटेड बेडिंग. सो दिस दीज ऑल वी विल प्रोबेबली डिस्कस इन टू सेकेंड और थर्ड पार्ट, राइट, राइट. तो यहां पे भी आपको सब टाइप्स देखने को मिलेंगे, इरोजनल स्ट्रक्चर्स में स्कावर है, टूल मार्क्स है, ठीक है, फिर डिपोशन डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स में स्लम्प है, लोड एंड फाउंडर स्ट्रक्चर्स है, इंजेक्शन है, राइट, फ्लूइड एस्केप, डेसिकेशन, इम्पैक्टिक स्ट्रक्चर्स, और बायोजेनिक में आपके बायोडर्बेशन एंड बायोस्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज प्राइमरी सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स एंड वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन सैम बॉक्स में ये दे रखी है, तो ये आप पढ़ना ना भूलें. और इसके सब टाइप्स और टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लेम स्ट्रक्चर्स किस टाइप में आते हैं, राइट, जैसे इसका और मार्क्स है तो किस टाइप में आते हैं, इरोशनल में आते हैं, राइट, ऑल दीज, हमकी क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन, फ्रेजर एंड लेंटिकुलर बेडिंग, ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं. देन देर आर अदर स्ट्रक्चर्स, बेडिंग एंड प्लेन मार्किंग्स, ठीक है, तो बेड के ऊपर या किसी बेडिंग प्लेन के ऊपर जो कोई मार्क्स दिखते हैं आपको, जैसे ग्रूव कास्ट, स्ट्राइएशन, फ्लूड कास्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखने हैं. और पहले हम बात करेंगे जो सिंपल, सबसे सिंपल बेड फॉर्म होते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन एंड बेड फॉर्म्स, ठीक है. तो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स. इसमें सिंपली क्या होता है कि जो बेड्स होते हैं वो पैरेलल लेयर्स में इस तरीके से डिपॉजिटेड होते हैं. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बेडिंग प्लेन आपको दिख रहा है, राइट, दीज आर ऑल बेड्स. सो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेडिमेंटरी टाइप ऑफ रॉक, राइट. तो वेदरिंग के, यहाँ पे जो वेदरिंग हुई होगी उसके कारण जो है ये और भी ज्यादा आपको प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल कैसे बेड बनता है, राइट. सपोज दिस इज अ नॉर्मल रिवर, ये रिवर है, फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है. तो यहाँ पे क्या है, पहले बेसमेंट है, सिल्ट डिपॉजिट हुआ. सिल्ट क्या होता है, क्ले क्या होता है, ये मैंने सब पहले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, पहले सिल्ट है, फिर आप फ्लड, अगर फ्लड वगैरह आ गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, लार्ज ग्रेवल डिपॉजिट यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया रिवर ने, फिर उसके बाद अगेन सिल्ट हो गया. तो इस तरीके से जो ये है, यहाँ पे आपके बेडिंग जनरेट होगी. तो पहले सिल्ट स्टोन, कॉन्ग्लोमरेट ग्रेवल के कारण, ठीक है, फिर अगेन सिल्ट स्टोन, ठीक है. तो कॉन्ग्लोमरेट क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, कि फ्लड आ गई है. कि फ्लड में क्या होता है कि रिवर की कैरिंग और कंपिटेंसी जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट. तो यही यहाँ पे जो लाइव एग्जाम्पल है वो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, सिल्ट स्टोन ग्रेवल, ठीक है, फिर सिल्ट स्टोन. सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ बेडिंग और लैमिनेशन. तो बेडिंग और लैमिनेशन में अंतर क्या होता है, कि लैमिना जो होते हैं वो 1 सेंटीमीटर से जो लैमिना होता है उनका जो थिकनेस होती है वो मिलीमीटर में होती है, राइट. So, 3 से 10 मिलीमीटर के आसपास अगर थिकनेस है, मतलब यानी कि 1 सेंटीमीटर से कम की थिकनेस है, तो हम उसको बोलेंगे लैमिना. और उसके बाद हमारे बेड्स आ जाते हैं. तो थिन बेड, मीडियम बेड, थिक बेड, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो थिक बेड हो गया, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो सॉरी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वेरी थिक बेड हो गया, फिर थिक बेड हो गया, मीडियम बेड हो गया, राइट, ऑल दिस. तो ये आपको ध्यान में रखना है. बेड्स आर टेबुलर
और लेंटिकुलर लेयर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स दैट हैव लिथोलॉजिकल टेक्सचर और स्ट्रक्चरल यूनिटी। ठीक है, तो एक बेड क्या होगा, उसमें होमोजीनियस स्ट्रक्चर होगा उसका, तो उसको हम बोलेंगे बेड। ठीक है, क्योंकि उसमें जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बेड जो है ये सिल्ट स्टोन का है। सिल्ट स्टोन में क्या होगा, जो एक होमोजेनिटी होगी, यानी कि उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, उसका कंपोजिशन भी सेम होगा। ठीक है, किस तरीके के पार्टिकल्स हैं वो भी सेम होंगे। फिर उसके ऊपर जो ग्रेवल, उसके ऊपर जो होगा कॉन्ग्लोमरेट, उसका जो होगी प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेड को डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, सो अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द बेड्स आर नोन एज बेडिंग प्लेन और बाउंडिंग प्लेन। तो किसी भी बेड के जो यहाँ पे जो सरफेस होगा, अपर और लोअर सरफेस, उसको हम बोलते हैं बेडिंग प्लेन। ठीक है, तो एक बेड अगर ये है और दूसरा बेड लेट से ये वाला है, तो इसके बीच में जो सरफेस होता है उसको हम बोलेंगे बेडिंग प्लेन। ठीक है ना, फिर पार्टिंग आती है। पार्टिंग इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स टू स्प्लिट इवनली अलोंग सर्टेन स्ट्रेटिफिकेशन प्लेन्स। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि अगर फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसको हम बोलेंगे पार्टिंग। ठीक है, तो फ्लैगी अगर 1 सेंटीमीटर से कम का वो है, 10 सेंटीमीटर से अगर कम का हुआ है तो फ्लैगी है, 30 सेंटीमीटर से कम का है तो स्लैबी है, फिर ब्लॉकी और मैसिव। ठीक है, तो 1 मीटर से ज्यादा है तो मैसिव। तो बेड कैन बी डिफरेंशिएटेड इंटरनली इनटू नंबर ऑफ इनफॉर्मल यूनिट्स। बेड्स के अंदर भी कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, राइट, या बैंड ऑफ चर्ट हो गया। दीज आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो बेड की डेफिनेशन को हार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो हियर इज द डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ द बेड सेट्स। राइट, तो आप देख सकते हो कि एक बेड है अगर ग्रेवल सैंड का, राइट, और फिर यहां बीच में आपको ये जो लेयर है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज बाउंड्री प्लेन या बेडिंग प्लेन या बाउंडिंग सरफेस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेडिंग प्लेन, बाउंडिंग सरफेस एक ही बात हुई है, राइट। सो अगेन हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राटास और बेड्स। ठीक है, तो जब बेड्स को हम बेड्स की एज नाप लेते हैं, उसकी स्टेटिग्राफी नाप लेते हैं, तो उसको हम स्टेटिग्राफिक फॉर्मेशन में अपना लेते हैं, राइट। तो जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यूएसए का कैबाब लाइमस्टोन, तो यहाँ पे बेड्स को या फॉर्मेशन को हमने नाम दे देते हैं जब आप उसकी एज, उसका टाइप, राइट, उसके अंदर फॉसिल्स वगैरह हैं उसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो एक तरीके से जब स्ट्रेटिग्राफी बन जाती है तब हम इसको ग्रुप या फॉर्मेशन या बेड्स में नाम दे देते हैं। ठीक है ना, प्लानर बेडिंग एंड लेमिनेशन। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर हमने बात की थी, तो प्लानर बेड सिंपली प्लानर शेप में होता है, राइट। तो इसमें क्या है, जो बेड्स हैं दीज आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, देन देयर इज लैमिनेटेड बेडिंग। तो लैमिनेटेड बेडिंग ऑब्वियसली नाम जो आ रहा है, लैमिना आ रहा है, तो यहां पे जो बेडिंग होगी वो बहुत ही थिन होगी। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर से भी कम थिन जो होंगे बेड्स होंगे, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज लैमिनेटेड बेडिंग। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेड्स जो हैं प्लानर बेडिंग इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे बेड थिक हैं, लेकिन यहाँ पे बेड जो है बहुत थिन, बेंडिंग बहुत ही थिन है, ठीक है ना, बेड की जो है। देन देयर इज ग्रेडेड बेडिंग। तो ग्रेडेड बेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब बेड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंटरी पार्टिकल्स होते हैं, वो साइज के हिसाब से ग्रेडेड रहते हैं, राइट। सो आपके जनरली क्या होता है, नॉर्मल ग्रेडिंग में क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो लार्जर साइज के पार्टिकल्स दे विल सेटल एट द
बॉटम एंड फाइनल पार्टिकल विल बी ए टॉप. तो कुछ ऐसे ग्रेडेशन आपको दिखता है फ्रॉम कोर्सर टू फाइनर, राइट. सो कोर्सर विल बी ओल्डर एंड फाइनर फाइनर विल बी यंगर. ओके, इन नॉर्मल ग्रेडिंग. कभी कभी इनवर्स ग्रेडिंग हो जाती है, बट इनवर्स ग्रेडिंग इज रेयर इन नेचर. ओके, तो इनवर्स ग्रेडिंग में क्या होता है, फाइनर इज एट द बॉटम एंड कोर्सर इज एट द टॉप. तो ये होगी ग्रेडेड बेडिंग. जो नॉर्मल ग्रेडेड बेडिंग होती है वो आपकी ओल्ड से यंग यानी कि टॉप टू बॉटम डायरेक्शन दिखाती है. ठीक है, तो टर्बिडाइट जो है, जो मैंने आपको बात की थी, टर्बिडाइट जो है उसका जो सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं बॉमा सीक्वेंस. तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रेडेड बेडिंग. ओके, सो हियर यू कैन सी नॉर्मल ग्रेडेड बेडिंग. ये आपको बेडिंग प्लेन दिख रहा है, राइट. दिस इज द बेडिंग प्लेन. दिस इज लेट्स से दिस इज बेड वन, राइट. तो यहां पे आपको दिखेगा कि जो नीचे नीचे बॉटम साइड में है यहां पे आपको कोर्स पार्टिकल दिखेंगे, और ऊपर ऊपर आप जाओगे इस वाले रीजन में तो इस वाले रीजन में आपको फाइनर पार्टिकल दिखेंगे. हमको पता चल गया है कि जो बेड का टॉप है ये वाला है और बॉटम ये वाला है, राइट. रिमेंबर इनवर्स ग्रेडिंग इज देयर, बट इनवर्स ग्रेडिंग इज वेरी वेरी रेयर, सो दैट्स व्हाई इट डजंट हैव एनी मच सिग्निफिकेंस. तो टर्बिडाइट है, जो है टर्बिडाइट एक बेसिकली इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रेडेड बेडिंग. और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक शेल्फ स्लोप वाला एनवायरमेंट है. दिस इज स्लोप, दिस इज शेल्फ, राइट, कॉन्टिनेंटल मार्जिन. दिस इज स्लोप और यहाँ पे राइज आ गया, राइट. तो कभी कभी क्या होता है कि जो सबमरीन कैनियंस होती हैं उनमें एक एवलांच टाइप का आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. तो सेडिमेंट ब्रेक लूज एंड फ्लोज डाउन द कैनियन, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. और उसके बाद ये जो करंट डेवलप होती है ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी करंट. ओके, और ये टर्बुलेंस इसमें काफी ज्यादा होता है. ओके, सो दिस फ्लो केटिकली डाउन स्लोप, ओके, टर्बुलेंट काफी ज्यादा होता है. और उसके बाद जो डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं बॉमा सीक्वेंस. ओके, तो एक तरीके का क्या है, ग्रेडेड बेडिंग है. तो बॉमा सीक्वेंस में क्या होता है, आपके नीचे मैसिव एंड रैपिड डिपोजिशन के जो कोर्स पार्टिकल्स मिलते हैं, फिर लैमिनेटेड सैंड मिलती है, ठीक है, फिर क्रॉस लैमिनेशन यहाँ पे मिल जाता है, फिर अगेन लैमिनेटेड सिल्ट, और फिर यहाँ पे हेमीपेलाजिक मड, ठीक है. तो वेरी फाइन पार्टिकल्स सबसे ऊपर रहते हैं. सो रिवर्स ग्रेडिंग कैन ऑल्सो अकर, बट इट इज मच लेस कॉमन द नॉर्मल ग्रेडिंग. सो ग्रेडिंग हैज बीन एट्रिब्यूटेड टू टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म. जो रिवर्स ग्रेडिंग है उसके मैकेनिज्म है डिस्पर्सिव प्रेशर एंड काइनेटिक सीविंग. तो काइनेटिक सीविंग बेसिकली क्या होता है, कभी कभी किसी एनवायरमेंट में टॉप में जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से बना देते हैं अपने स्ट्रक्चर, और बीच में कुछ गैप छोड़ देते हैं. जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं उस गैप के थ्रू सेटल होते हैं नीचे बॉटम में, राइट, कुछ इस तरीके से. तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक सीविंग. ओके, एंड डिस्पर्सिव प्रेशर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोसेस, लेकिन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी रेयर फिनोमिना एंड इट्स ऑरिजिन इज स्टिल पुअरली अंडरस्टूड. अब हम बात करते हैं बेड फॉर्म्स की. तो बेड फॉर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली अलग अलग तरीके के बेड फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, जैसे रिपल मार्क्स या करंट मार्क्स. सो बेड जो होता है वो रेयरली परफेक्टली फ्लैट आपको मिलेगा, एंड ड्यू टू करंट, ओके, बीट वाटर और बीट एयर, उसके कारण क्या होता है, बेड के ऊपर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. जैसे कि अगर यूनिडायरेक्शनली करंट है, यूनिडायरेक्शन करंट है यानी कि एक ही डायरेक्शन की तरफ करंट मूव कर रही है, पानी मूव कर रहा है, तो क्या करेगा, कुछ इस तरीके से रिपल्स बनाएगा, है ना, राइट.
एंड दिस इज नोन एज करंट क्रिपल, और इसको हम ए सिमेट्रिक क्रिपल भी कहते हैं बिकॉज सिमेट्री इसमें नहीं है. ओके क्योंकि आपको दिख रहा है अगर इसका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो ये एसिमेट्रिक है, ठीक है ना. अगर इसको मैं हाफ कर दूंगा तो सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी. वहीं जो दूसरी तरीके का करंट होता है, जो दूसरी तरीके का रिपल होता है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन रिपल या सिमेट्रिक रिपल. ओके और इसमें क्या होता है, बेसिकली जब करंट बैक एंड फोर्थ चलती है तो कुछ इस तरीके से हमारा रिपल देखने को मिलता है. राइट, दिस हाइस्ट पोर्शन इज नोन एज क्रेस्ट एंड दिस लो पोर्शन इज नोन एज ट्रफ. ठीक है, ये प्रीटी बेसिक है. तो ये जो ऑसिलेशन वाला रिपल है या वेव रिपल इसको हम बोलते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. और ये सिमेट्रिक होता है, यानी कि इसके क्रेस्ट से अगर मैं आधा इसका करूं तो दिस विल बी सिमिलर टू दिस वन, दिस विल बी सिमिलर टू दिस वन. सो दिस इज नोन एज सिमेट्रिक रिपल. ओके तो ऑब्वियसली अब आपको पता चल गया होगा कि जो करंट का डायरेक्शन है उसको कौन बताएगा, एसिमेट्रिक रिपल बताएगा. ओके दिस विल इंडिकेट द पेलियो करंट डायरेक्शन बट दिस विल नॉट इंडिकेट द पेलियो करंट डायरेक्शन. लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है कि जो जो एसिमेट्रिक रिपल्स होते हैं राइट, वो क्या करते हैं, पेलियो करंट की डायरेक्शन तो बताते हैं बट टॉप टू बॉटम इंडिकेटर नहीं होता है. ओके सो नॉन जियोपेटल स्ट्रक्चर्स. ओके बिकॉज होता क्या है कि लेट्स से इसके ऊपर अगर डिपोजिशन हुआ, ठीक है, लेट्स से ये हमारा एसिमेट्रिक रिपल है एंड इसके ऊपर हमारा डिपोजिशन हुआ, राइट, कुछ इस तरीके से डिपोजिशन हुआ, राइट. अब ये वाला जो पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये लेट से ओवरटर्न कर गया, ठीक है, उल्टा हो गया. तो ये कैसे दिखेगा हमें, ये ऐसा दिखेगा. तो ये डायरेक्शन अगर हमें बताएगा तो ये बताएगा, लेकिन ये हमें क्या करेगा, टॉप इस वाले को बताएगा एंड बॉटम इस वाले को बताएगा. बट एक्चुअली में क्या है, बॉटम तो ये है और टॉप ये है, राइट. सो दिस इज पोर इंडिकेटर ऑफ टॉप टू बॉटम. ओके सो दिस कैन नॉट बी ट्रस्टेड एज टॉप टू बॉटम इंडिकेटर. ओके दिस करंट रिपल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. लेकिन जो वेव रिपल होता है ये वाला, ये पेलियो करंट इंडिकेटर तो नहीं होता है, लेकिन ये टॉप टू बॉटम इंडिकेटर काफी अच्छा होता है. कैसे, एग्जाम्पल देके बताते हैं. सो लेट्स से आपके पास एक करंट रिपल है कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, राइट, इसके ऊपर डिपोजिशन होता है. अब क्या होता है कि ये डिपोजिशन जो है ये किसी कारण से उल्टा हो जाता है और इट गेट्स ओवरटर्न, तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, राइट. अगर हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, हम बता सकते हैं कि बॉटम पोर्शन ये वाला है और टॉप पोर्शन ये वाला है, राइट. लेकिन करंट रिपल में हम बता नहीं सकते क्योंकि दोनों का शेप सेम रहेगा, डिपोजिशन वाले का भी और जिसके ऊपर डिपोजिशन हुआ उसका भी शेप सेम रहेगा, राइट. तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट. मैं फिर से बता देता हूं, इसके लेट से ये हमारा एसिमेट्रिक रिपल है, इसके ऊपर डिपोजिशन हुआ, इसी को मान के चल लो कि ये डिपोजिशन हुआ हमारा और ये कुछ इस तरीके से हमारी बेडिंग बन गई, राइट. अब मैं इसको इस वाले को ओवरटर्न करूं, ठीक है,
ये ओरिजिनल रिपल है दूसरा वाला, और ये फर्स्ट वाला इज डिपोजिशन। इस फर्स्ट वाले को अगर मैं ओवन ओवरटर्न करूं तो इट विल लुक सेम एज दिस वन, राइट, सेम एज सेकेंड वन। इसको अगर ओवरटर्न करूंगा तो ये सेम दिखेगा ना, राइट। तो दोनों में पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है, बिकॉज दिस विल ऑल्सो इंडिकेट सेम स्ट्रक्चर अगर ये ओवरटर्न हो गया। लेकिन इस वाले में केस में अगर ये ओवरटर्न हो गया तो हमें कुछ इस ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अब ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई ऐसा तो वेव रिपल होता नहीं है, राइट। तो हम बता सकते हैं कि भाई एक तरीके से वेव के ऊपर, वेव रिपल के ऊपर डिपोजिशन हुआ है वो ये है। और फिर हम बता सकते हैं कि दिस विल बी बॉटम एंड दिस विल बी टॉप, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि कौन सा वाला रिपल जो है एसिमेट्रिक रिपल या सिमेट्रिक रिपल जो पेटल स्ट्रक्चर है, राइट। तो आप देख सकते हो कि जो वेव रिपल है या इसको हम सिमेट्रिकल रिपल भी कहते हैं या ऑसिलेशन रिपल, इसमें क्या होता है कि जो वेव्स हैं वो बैक एंड फोर्थ चलती हैं, राइट, एंड ड्यू टू दैट हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, राइट। तो अगर लो एनर्जी वेव्स हैं तो ये शार्प क्रेस्ट बनेंगी हमारी, और अगर हाई एनर्जी वेव्स हैं तो हमारा वोर्टेक्स रिपल बनेंगे और उसका जो जो क्रेस्ट है वो राउंडेड रहेगा, राइट। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। सो रिपल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, आप देख सकते हो, और इनकी जो लेंथ होती है वो 5 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है एंड हाइट इज अबाउट 0.5 टू 3 सेंटीमीटर। तो जो इनका रिपल इंडेक्स जो होता है, रिपल इंडेक्स इज बेसिकली योर रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन हाइट, ओके। सो रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन हाइट, तो इसका जो रिपल इंडेक्स आपको होगा रिपल्स का वो 8 से लेके 20, ठीक है, 20 फॉर फाइन सैंड एंड 8 इज फॉर कोर्स सैंड, ओके। सो आई होप कि आपको अभी जो मैंने डिफरेंस बताया जियोपेटल स्ट्रक्चर और पेलियोग्रन डायरेक्शन में वेव रिपल और एसिमेट्रिकल रिपल के बीच, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिपल इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है, फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। रिपल इंडेक्स क्या होता है, लेंथ अपॉन हाइट, किसकी लेंथ, वेव की लेंथ अपॉन हाइट ऑफ द वेव, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये एसिमेट्रिक रिपल है और इसमें आप देख सकते हो कि जो वेवलेंथ है एक रिपल की क्या होती है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ होती है। तो यहाँ पे क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच वेवलेंथ दे रखी है, सो दिस इज द वेवलेंथ, और हाइट जो होगी मैक्सिमम जो क्रेस्ट है उससे लेके जो आपका बॉटम है वो हाइट होती है, ठीक है ना। ये फ्लो डायरेक्शन है एसिमेट्रिकल रिपल की, और उसमें क्या होता है कि जो विंड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, और विंड क्या करती है सेडमेंट को कैरी करती है थ्रू सस्पेंशन या ट्रैक्शन के जरिए इस वाले रीजन को। तो जो ये जेंटल वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉस, ठीक है ना। ये जेंटल वाला रीजन जो है ये हमारा रिपल हुआ, राइट। तो ये जो जेंटल वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टॉस, और ये इधर वाला पोर्शन जो कि काफी स्टीप है कंपेयर टू दिस स्टॉस साइड, इसको हम बोलते हैं ली साइड। तो हमेशा ध्यान रखिए स्टॉस एंड ली, ये आपको जियोमॉर्फोलॉजी में भी काम आएगा कि स्टॉस वाला साइड कौन सा होता है, ली वाला साइड कौन सा होता है, जब आप रॉकी माउंटेन वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, या और भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे, तो स्टॉस एंड ली का ध्यान रखना आपको जरूरी है। नाउ स्टॉस में जब पार्टिकल क्या होता है फ्लो करता है, और या ट्रैक्शन के जरिए विंड उसे कैरी करती है या वाटर उसे कैरी करता है,
होता क्या है कि होता क्या है कि यहां तक पार्टिकल जाता है और उसके बाद यहां से ब्रिंग पॉइंट से अनस्टेबल होके ये ऐसे गिर जाता है इधर की तरफ, राइट, कुछ यूं गिर जाता है। तो यहां से कैरी हुआ और यहां की तरफ ये एक तरीके से स्लाइड हुआ, तो यहां पे हमारा बेड बन गया एक तरीके से, इंक्लाइंड बेड। तो यही कंसेप्ट है क्रॉस बेडिंग का, ठीक है, क्रॉस बेडिंग का। फिर क्या हुआ, यहां से कैरी किया पार्टिकल, यहां ब्रिंग पॉइंट पे गया, फिर उसके बाद यहां से डिटैच होके यहां पे पहुंच गया। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे बेड ये बन जाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम क्रॉस बेड्स, अगर थिक हैं, और क्रॉस लेमिनेशन अगर थिन है तो, राइट। सो ड्यून्स आर बेसिकली लार्जर बेड फॉर्म विद स्पेसिंग और वेव लेंथ रेंजिंग फ्रॉम अंडर 1 मीटर टू ओवर 1000 मीटर, ठीक है। तो ड्यून्स आर बेसिकली ह्यूज फॉर्म्स और मेगा फॉर्म्स ऑफ रिपल्स, और ये एओलियन एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। इनका रिपल इंडेक्स जो होता है ये 5 से लेके 50 तक होता है फॉर फाइनर टू कोर्सर सेडिमेंट्स, राइट। रिपल इंडेक्स लैम्डा अपॉन हाइट, वेवलेंथ अपॉन हाइट। ओके, दिस डायग्राम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो जिसमें फ्लूइड और ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया था। तो ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है भाई कि कौन से रिजिम में, अपर फ्लो रिजिम में या लोअर फ्लो रिजिम में, किस तरीके के ड्यून्स या रिपल्स जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, राइट। ये रिलेटेड है आपका फ्रॉड नंबर से, ठीक है। तो आपको अगर आपको ये जानना है इसके बारे में तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। सो हियर इज अ टेबल अबाउट बेड फॉर्म्स विच आर डेवलप्ड अंडर यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है, ये फ्लो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है हमारा। तो रिपल्स, 2D ड्यून्स, 3D ड्यून्स। 2D ड्यून्स और 3D ड्यून्स क्या होता है, बेसिकली अगर ड्यून्स के जो क्रेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर है, राइट, इरेगुलर है, तो उसको हम बोलेंगे 3D ड्यून। अगर 2D ड्यून्स है वो साइनस कर्व है पर इरेगुलर उतना नहीं है, उसको हम बोलेंगे 2D ड्यून। और रिपल्स तो आपको पता है छोटे होते हैं, तो 3D ड्यून्स जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रिपल इंडेक्स है वो रिपल्स का काफी लो होता है, 2D ड्यून्स का काफी हाई होता है, 3D ड्यून्स का रिलेटिवली लो होता है। ओके, फिर आपके एंटी ड्यून्स आते हैं, ये आपके अपर फ्लो रिजिम में, एंड आप देख सकते हो कि जो ज्योमेट्री होती है रिपल की वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गली रेगुलर शॉर्ट क्रेस्टेड। तो क्रेस्ट क्या होता है आपका, छोटा होता है, ठीक है, हाइट छोटी होती है। 2D ड्यून्स में क्या होता है, जो ज्योमेट्री होती है प्लान ज्योमेट्री, मतलब जब आप ऊपर से देखोगे, ठीक है, जब आप ऊपर से देखोगे किसी भी ड्यून को, जब आप ऊपर से देखोगे किसी भी ड्यून को, तो ये क्रॉस सेक्शन हुआ, राइट, और ये इसका क्रेस्ट हुआ, ये ट्रेफ हुआ, 3D में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्रेस्ट हुआ। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो अगर आपको 2D ड्यून में जो आपको दिखेगा वो क्रेस्ट ज्यादा साइनस नहीं दिखेगी, लेकिन 3D ड्यून में आपकी क्रेस्ट जो होगी काफी इरेगुलर रहेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राइट, सो स्ट्रॉन्गली इरेगुलर एंड शॉर्ट क्रेस्टेड, क्रेस्ट जो होगी शॉर्ट होगी, राइट, यानी कि छोटे छोटे क्रेस्ट होंगे, वहीं 2D ड्यून में जो क्रेस्ट रहेगा वो लॉन्ग रहेगा। फ्लो वेलोसिटी लो लो टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हाई, यानी कि जो करंट उस समय चल रही है विंड की या एयर की, उसकी वेलोसिटी कितनी है। फ्लो डेप्थ सबकी लो रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिपल्स। तो रिपल की क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से दे रखी है, उनके जो क्रेस्ट है उसके बेसिस पे,
तो स्ट्रेट या ट्रांसवर्ड, इसमें आपको ध्यान में रखना है जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप चल रहा है, ओके okay? यानी कि फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से सबके लिए। तो स्ट्रेट ट्रांसवर्ड, ठीक है, तो रिपल्स की क्रेस्ट जो है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट एंड स्वेप्ट, ठीक है, तो ये इंक्लाइंड है अगर, तो उसको बोलोगे स्ट्रेट एंड स्वेप्ट। ट्रांसवर्स एंड साइनस, साइनस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे इरेगुलर शेप है, ठीक है, तो अगर फेज में है तो सब एक जैसे आपको दिखेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स है लेकिन आउट ऑफ फेज, ट्रांसवर्स साइनस लेकिन आउट ऑफ फेज, आपको दिख रहा है ये सब आउट ऑफ फेज है, क्रेस्ट से क्रेस्ट मैच नहीं कर रही है, ट्रफ से ट्रफ मैच नहीं कर रही है। फिर ट्रांसवर्स कैटरनरी इन फेज, कैटरनरी का मतलब वो क्या होता है, अगर कुछ इस तरीके से शेप है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटरनरी, ठीक है, इन फेज आउट ऑफ फेज स्वेप्ट। फिर लिंगोइड, लिंगोइड का मतलब टंग शेप, ठीक है, टंग शेप है अगर तो इस तरीके से आपको रिपल देखने को मिलेंगे, ठीक है, डायरेक्शन टॉप टू बॉटम टू टॉप। फिर कस्पेट, कस्प शेप है अगर, ठीक है, दोनों लगभग सेम है। फिर लूनेट, लूनेट में क्या हो जाएगा आपका, ये कॉन्वेक्स टू कॉन्केव चेंज हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर टू लिंगोइड एंड कस्पेट। लूनेट यानी कि क्रिसेंट शेप है, ठीक है, तो ये रिपल्स की क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द शेप, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 3D में स्ट्रेट, साइनस, कैटरनरी, लिंगोइड, लूनेट, सो 3D जो ड्यून्स होते हैं लगभग ऐसे लूनेट या लिंगोइड में आपको दिखेंगे, साइनस ड्यून्स 2D। राइट, सो दिस इज डेप्थ टू वेलोसिटी के ऊपर जो हमने क्लासिफिकेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये ए जो है ये स्मॉल स्केल रिपल्स हैं, बी आर लार्ज स्केल रिपल्स, ठीक है, इनका जो साइज होता है काफी बड़ा होता है लार्ज स्केल रिपल्स का। अब देखते हो स्ट्रेट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ओके, एंड डेप्थ ऑफ द फ्लो इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो अगर कम वेलोसिटी है स्ट्रेट, फिर साइनस में आ जाएगा, फिर सिमेट्रिकल लिंगोइड आ जाएगा। लिंगोइड में दो तरीके के होंगे, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, ठीक है, तो स्ट्रेट, साइनस एंड लिंगोइड। लार्ज स्केल रिपल में क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, साइनस, कैटरनरी, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लार्ज स्केल में आपका कैटरनरी एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, स्मॉल स्केल रिपल्स में आपका कैटरनरी ट्रांजिशन नहीं होगा। फिर आते हैं क्लाइंबिंग रिपल्स, क्लाइंबिंग रिपल्स आर बेसिकली फॉर्म्ड व्हेन देयर इज डिपोजिशनल ऑफ सेडिमेंट्स इज वेरी हाई, ठीक है, डिपोजिशनल रेट जो होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो होता क्या है कि एक के ऊपर एक हमारा रिपल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये पहला रिपल रहा होगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर दूसरा रिपल कुछ इस तरीके से डिपॉजिट हो गया, तो डिपॉजिशन रेट इतना हाई है कि इसको जो स्टॉस वाला साइड है उस वहां पे इरोजन का मौका नहीं मिला, ठीक है, और सीधा ये डिपॉजिट हो गया, फिर ये डिपॉजिट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग रिपल, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जब क्लाइंब करते हैं रिपल्स या डिपॉजिट होते हैं रिपल्स, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग रिपल्स, ठीक है। तो क्लाइंबिंग रिपल्स को हमने दो तरीके में डिवाइड कर रखा है, लो एंगल क्लाइंब और हाई एंगल क्लाइंब। लो एंगल क्लाइंब तब होता है जब डिपॉजिशन जो होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो अभी मैं आपको एंगल बताता हूं, कि अगर ये एंगल है हमारा क्लाइंबिंग एंगल, राइट, दिस इज द क्लाइंबिंग एंगल, ठीक है, ये क्लाइंबिंग एंगल जो होगा वो लो होगा कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, इसमें क्लाइंबिंग एंगल जो होगा वो हाई होगा, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो हाई एंगल का मतलब क्या है कि रेट जो डिपोजिशन का रेट है वो हाई है, ठीक है, डिपोजिशन का रेट जो है हाई है, ठीक है। सो स्टॉस जो साइड है इट इज नॉट इरोडेड एंड इट इज प्रिजर्व्ड, क्योंकि डिपोजिशन इतना हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे हाई एंगल ऑफ क्लाइंब, लो एंगल ऑफ क्लाइंब,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ डिपोजिशन. सो द लार्जर द एंगल ऑफ क्लाइम ग्रेटर द फ्रैक्शन ऑफ फोर सेट प्रिजर्व. फोर सेट जो है वो प्रिजर्व रहेंगे. राइट, सो दीज आर ऑल पॉइंट्स यू हैव टू नोट. ठीक है, अगर एंगल ऑफ क्लाइम जो रिपल का एंगल ऑफ क्लाइम है इट इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ एंगल ऑफ द स्टॉस साइड ऑफ द रिपल, तो स्टॉस साइड ऑफ रिपल जो है आपका ये वाला पोर्शन, इससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ क्लाइम है तो आपका दोनों प्रोफाइल जो है यानी कि स्टॉस और ली वाला प्रोफाइल जो है वो प्रिजर्व रहेगा. ओके, सो दिस क्लाइंबिंग हैपन्स वेन रेट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू सेडिमेंट्स टू द बेड इज ग्रेटर देन द रेट एट विच सेडिमेंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द स्टॉस साइड टू द ली साइड. हमने बात की थी कि भाई सेडिमेंट जो है स्टॉस साइड से ली साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बट अगर रेट डिपोजिशन का इतना ज्यादा हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, डायरेक्ट क्लाइम जो दूसरे रिपल इसके ऊपर ही क्लाइम हो जाएगा. ठीक है, क्या आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, इसमें आप देख सकते हो रिपल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्लाइम कर रहे हैं. राइट, तो हम बात करते हैं क्रॉस बेडिंग की. तो क्रॉस बेडिंग सिंपल है, इसमें क्या है कि ये आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज स्टॉस साइड एंड दिस इज द ली साइड. सो सेडिमेंट्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड कैरीड ओवर ओके टूवर्ड्स दिस फेस, और यहाँ पे हमारा फोर सेट या क्रॉस बेड जो है वो बन रहे हैं. ओके, सो क्रॉस बेडिंग इज फॉर्म primarily by the migration of ripples and dunes, okay, in water or air. ये migrate कर रहे हैं इधर, फिर ये यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, ये इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो फोर सेट है इनको हम क्रॉस बेड भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे बनते हैं. राइट, सो हियर यू कैन सी द प्रोसेस, ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टीपर साइड एंड द डाउन करंट साइड. तो जिस साइड में ये जो फोर सेट हैं या क्रॉस बेड जो हैं ये इंक्लाइन करेंगे उसी साइड में आपका पेलियो करंट डायरेक्शन भी होगा. तो एक्सीलेंट पेलियो करंट डायरेक्शन और एक्सीलेंट टॉप टू बॉटम इंडिकेटर भी ये होते हैं. टॉप टू बॉटम इंडिकेटर कैसे होते हैं कि अगर आप देखोगे तो जो टेंजेंशियल है वो बॉटम बेड पे टेंजेंशियल है. राइट, यू कैन सी दिस इज द बॉटम बेड. इस बेड की बात करें हम, तो इस बेड की बात करें तो मैग्नीफाई करके अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा. ठीक है, डायरेक्शन तो ये है, ये हमें पता चल गया क्योंकि इंक्लाइन इस तरफ है, लेकिन आपको दिख रहा है कि जो टेंजेंशियल है वो बॉटम में है. ठीक है, ये जो जो ये क्रॉस बेड बेडिंग है ये टेंजेंशियल जो है ये बॉटम पे है, ऊपर नहीं है. ऊपर क्या है, इरोजनल सरफेस आपको देखने को मिलेगा. तो जिस बेड पे ये टेंजेंशियल है ये बॉटम बेड हो जाएगा एंड दिस इज द टॉप बेड. ओके, सो क्रॉस लैमिनेशन वर्सेस क्रॉस बेडिंग. रिपल्स आर लिमिटेड टू क्रेस्ट हाइट ऑफ अबाउट 30 मिलीमीटर ओके 3 सेंटीमीटर. सो क्रॉस लैमिनेटेड बेड डू नॉट एक्सीड दिस थिकनेस. ठीक है, 3 सेंटीमीटर से कम की थिकनेस क्रॉस लैमिनेटेड बेड की रहेगी. ओके, तो जो ड्यून्स हैं जो बड़े रिपल्स होते हैं या मेगा 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 रिपल्स जो होते हैं इनको हम ड्यून्स कहते हैं, उसके द्वारा हमारे क्रॉस बेडिंग बनती है और क्रॉस लैमिनेशन जो बनेगी वो रिपल्स के द्वारा बनेगी. क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन जो आपका मियांडरिंग रिवर चैनल में भी आपको देखने को मिलेगा. ये मियांडरिंग रिवर चैनल है, ये आपका पॉइंट बार है और पॉइंट बार को अगर सेक्शन में काटोगे आप तो आपको क्रॉस बेडिंग देखने को मिलेगी. राइट, दीज आर ऑल क्रॉस बेडिंग. यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ ड्यून. तो ड्यून का जो ये ली वाला साइड है यहां पे क्या करेगा, डिपॉजिट होगा. ठीक है, फिर ये ड्यून माइग्रेट करेगा इधर की साइड. राइट, अगेन the sediments will get deposited. So this is the real life example of cross bedding. आप देख सकते हो sandstone है ये एक तरीके का, and
ये क्रॉस बेडिंग है, ये दूसरी क्रॉस बेडिंग है, ठीक है, ये विंड का डायरेक्शन है, फिर ये है। तो आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम, आप इजीली आप पता लगा सकते हो कैसे कि ये टेंजेंशियल है ना इसकी साइड। तो ये अगर इस बेड की बात करें हम, तो इस बेड में बॉटम ये होगा और टॉप ये होगा, ठीक है ना। सो हियर इज द टर्मिनोलॉजी एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉस बेडिंग। यू कैन सी दिस इज टेबुलर क्रॉस बेडिंग एंड ट्रफ क्रॉस बेडिंग, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। एंड इसमें जो ये वाले बेड हैं, इनको हम बोलते हैं फोर सेट बेड, ओके। इन टेबुलर क्रॉस बेडिंग व्हाट इज हैपनिंग, द फोर सेट आर नॉन टेंजेंशियल टू द लोअर बेड, ओके, बेड लोअर बेडिंग प्लेन। बट इन ट्रफ क्रॉस बेडिंग व्हाट इज हैपनिंग, द फोर सेट आर टेंजेंशियल टू द बेडिंग, राइट। यू कैन सी द टेंजेंशियल टू द लोअर प्लेन, लोअर बेड प्लेन, ओके। तो इनको हम बोलते हैं फोर सेट। ये है प्रिंसिपल बेडिंग प्लेन, राइट, और इस पूरे को हम बोलते हैं कोसेट, राइट। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। सो ट्रफ क्रॉस बेडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द साइड व्यू ऑफ बेडिंग। तो प्लानर बेडिंग में आपको दिखेगा कि जो बेड्स हैं वो इस साइड से प्लानर है, राइट, साइड से प्लानर है और टेंजेंशियली नहीं है। ट्रफ क्रॉस बेडिंग में आपको देखेगा कि जो लोअर बेडिंग प्लेन है वो कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स, कॉन्केव अपवर्ड्स है, राइट, फॉर्मिंग ट्रफ्स, राइट, ये ट्रफ्स फॉर्म कर रहा है और यहां से भी थोड़ा सा टेंजेंशियल है, राइट, साइड से जिसका सेट है, फोर सेट है, वो टेंजेंशियल है। तो ये ट्रफ क्रॉस बेडिंग है, ये प्लानर क्रॉस बेडिंग है, राइट। अगेन यू कैन सी यहां पे भी ये साइड व्यू है, यहां पे आप देख सकते हो यहां पे टेंजेंशियल फोर सेट उतने टेंजेंशियल नहीं है, लेकिन यहां पे टेंजेंशियल है, राइट, और इसका फ्रंट व्यू आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है ट्रफ क्रॉस बेडिंग का। ये ट्रफ फॉर्म कर रहा है, ऊपर जो सरफेस है वो ट्रंकेटेड सरफेस है। सो हियर कैन सी टेबुलर क्रॉस बेडिंग कंसिस्ट ऑफ क्रॉस बेडेड यूनिट्स दैट आर ब्रॉड इन लैटरल डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू सेट थिकनेस एंड दैट ऑफ एसेंशियली प्लानर बाउंडिंग सरफेस। जो बाउंडिंग सरफेस है वो क्या है, प्लानर है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। सो हियर कैन सी द टेबुलर क्रॉस बेडिंग, और ये आपको फोर सेट दिख रहे हैं। ट्रफ क्रॉस बेडिंग में बेसिकली क्या होता है, जो ड्यून्स होते हैं वो 3D ड्यून्स होते हैं, राइट, 3D टू 2D ड्यून्स होते हैं, बट जनरली दे आर 3D ड्यून्स। एंड हियर यू कैन सी इट लुक्स लाइक द लोअर बाउंडिंग सरफेस लुक लाइक कॉन्केव अप सरफेस, राइट। तो यहां पे जो आपको ट्रफ देखने को मिलेगा बाउंडिंग सरफेस में, इसको बोलते हैं ट्रफ क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन, राइट। सो क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन प्रोड्यूस बाय 3D ड्यून्स इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो, राइट। तो यहां साइड से तो हमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन कहां की तरफ है, कहां की तरफ जो क्रॉस क्रॉस बेड है वो कहां की तरफ डिप कर रहे हैं, टूवर्ड्स लेट से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट की तरफ डिप कर रहे हैं। और यहां अगर इस सेक्शन को हम काटेंगे तो फ्रंट सेक्शन को, तो यहाँ पे आपको जो बेडिंग सरफेस है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रफ क्रॉस बेडिंग, ठीक है।
दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ द ट्रफ क्रॉस बेडिंग. तो जो फोर सेट है वो टेंजेंशियल है टू लोअर बेड्स, लोअर बेडिंग प्लेन. सिमेट्रिकल रिपल्स जो मैंने बात किया था, जिस जो जियोपेटल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं उसमें भी क्रॉस बेडिंग होती है, लेकिन वो क्रॉस बेडिंग कुछ इस तरीके से होती है. ओके, बैक एंड फोर्थ. तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है रिपल क्रॉस लेमिनेशन का, रिपल क्रॉस बेडिंग का, शोइंग बाई डायरेक्शनल क्रॉस लेमिने, बाई डायरेक्शनल, राइट. सो लेमिनेट डिप इन बोथ डायरेक्शन इन द सेम लेयर. तो अगर आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा तो आप सीधा वेव रिपल बोल सकते हो या सिमेट्रिकल रिपल या सिमेट्रिकल ड्यून्स बोल सकते हो. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमकी क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन की. तो हमकी क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये एक तरीके का क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन है जो सबमरीन एनवायरनमेंट में पाया जाता है और बेसिकली स्टॉर्म एनवायरनमेंट में पाया जाता है. ठीक है, स्टॉर्म एनवायरनमेंट. ओके, तो इसको हमकी क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका शेप होता है वो हमक्स जैसा होता है. ठीक है, हमक्स क्या होता है आपने देखोगे जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो पेड़ पे इस तरीके से हमक लगा देते हैं, ठीक है, ताकि सो पाए, तो उसे बोलते हैं हमक. तो यहाँ पे क्या है कि हमकी क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन का जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमक्स जो कॉन्वेक्स अपवर्ड शेप होता है उसको हम बोलते हैं हमक, ठीक है, और एक होता है स्वेल्स. स्वेल्स वो होते हैं जो कॉन्केव अपवर्ड्स होते हैं, ठीक है, दिस इज कॉन्केव अपवर्ड्स, तो इसको हम बोलते हैं स्वेल्स. ठीक है, स्वेल्स, कॉन्केव अपवर्ड पोर्शन. ओके, तो एचसीएस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेल्स एंड हमक्स विद अपवर्ड कर्वेचर ऑफ लेमिनेशन. ठीक है, हमक्स में लो एंगल कर्व्ड लेमिनेशन इंट्रैक्शंस एंड वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ काफी हाई होती है एंड हाइट जो होती है वो लो होती है, एंड साथ ही साथ लो एंगल कर्व्ड लेमिना. तो जो जो जहां पे ये लेमिने मीट हो रहे हैं ये लो एंगल पे मीट होते हैं. ओके, तो आपको ध्यान में रखना है हमकी क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन कब होता है, स्टॉर्म एनवायरमेंट में, राइट. सो फाइन सैंडस्टोन टू कोर्स सिल्टस्टोन कॉमनली कंटेन अबंडेंट माइका एंड कार्बोनेशियस प्लांट डिब्री. This structure is formed by strong surges of varied direction flow that are generated relatively by large storm waves in the ocean, and they are generally confined to shallow marine environment rocks. Okay, but they cannot be used for paleocurrent analysis because they dip in different directions. ये आपको ध्यान में रखना है. Okay. राइट, तो जो कॉन्वेक्स अप है ये क्या है, हमक, और ये स्वेल्स. अब आता है हमारा हेरिंग बोन क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन. तो हेरिंग बोन क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये टाइडल एनवायरमेंट में आपको देखने को मिलेगा. टाइडल एनवायरमेंट में क्या होता है, लेट्स से कि भाई टाइड आई टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ठीक है, तो कैसे क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन जनरेट होगी, इस तरीके से होगी. फिर ये टाइड वापस गया वेस्ट की तरफ, राइट, वापस जाएगा पानी, तो इस तरीके से जनरेट हुआ हमारा क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन. फिर से टाइड आया, इस तरीके से जनरेट हुआ, फिर से टाइड आया इस तरीके से. इसको हम बोलते हैं हेरिंग बोन क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन. ओके, जनरली इन द टाइडल एनवायरमेंट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेजर बेडिंग की, एंड और भी जो स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे.
एंड प्रॉब्ली इन टू टू थ्री वीडियोस वी विल फिनिश द होल स्ट्रक्चर टॉपिक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलें नीचे। और टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।